आप कहेंगे बाबू अब देखिए एक हिरन है और एक शेर है, अब एक हिरन है और एक शेर है तो शेर के पास क्या शुद्धता ज्यादा है इसलिए उसके पास ज्यादा ताकत है? नहीं। ध्यान में रखिए भाई, हिरन के पास भय है और भय भीति जिसे कहते हैं, भय की जिसे कहते हैं, डर जिसे कहते हैं, फियर जिसे कहते हैं, ये भय जो है ना ये सबसे बुरी अशुद्धता है। भय ये सबसे बुरी अशुद्धता है, यानी कि उसके पास ज्यादा अशुद्धता है। हम अशुद्धता यानी क्लीनलीनेस की बारे में से नहीं बात कर सोचना चाहिए, तो मूल सामर्थ्य मूल रूप के बारे में सोचना चाहिए कि जितने हम शुद्ध है उतने ही हम निर्भय रहते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में जितने ज्यादा शुद्ध बनने की कोशिश करें उतना ही हमारी जिंदगी के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे मन की सेहत के लिए, शरीर की सेहत के लिए, प्रारब्ध की सेहत के लिए अच्छा है। इसीलिए एक ही मार्ग है और वो मार्ग है आराधना मार्ग। भगवान की आराधना शुद्ध भाव से करनी चाहिए, क्योंकि राधा जो आराधना शक्ति है वही शुद्ध भाव स्वरूपिणी है। वही शुद्ध भाव स्वरूपिणी होने के कारण अगर हम आराधना किसी भी भगवान की किसी भी रूप की करना चाहते हैं तो हमें शुद्ध भाव से ही करनी चाहिए। अगर हम जब तक शुद्ध भाव से नहीं करते तब तक वो आराधना आराधना ही नहीं है, वो सिर्फ राधना हो गई। राधना हम कहते हैं ना, तो ये सिर्फ राधना हो गई, आराधना नहीं हो गई। हम सभी क्या करते हैं, राधना करता करते रहते, राधन करते रहते, आराधन नहीं करते। आराधन होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। इस कलयुग में तपश्चर्या की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे धर्म ग्रंथ बार बार कहते हैं। इस कलयुग में आवश्यकता है तो सच्चे भक्ति की, हरि गुरु स्मरण, हरि कथा श्रवण, हरि नाम संकीर्तन, इन्हीं से सारे पापों का विलय हो जाता है। लेकिन कब, जब मेरे पास थोड़ा भी शुद्ध भाव हो तो ये भक्ति जो है मेरी शुद्ध भाव बढ़ाती है। जितनी शुद्धता बढ़ती है उतना मेरा भय कम होता है, उतना मेरा सामर्थ्य बढ़ता है, और जितना मेरे पास ज़्यादा सामर्थ्य उतनी मेरी अड़चनें कम। इसीलिए कलयुग के हर व्यक्ति के लिए इस युगल सरकार की उपासना की बहुत आवश्यकता है। चाहे आप उसे उन्हें जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में देख सकते हो। उन्हें हम गौतम यशोधरा कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें हम सदगुरु गुरु शक्ति कहेंगे कोई बात नहीं, हम उन्हें शिव जगदम्बा कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राम नाम और राधा नाम ये दो नाम ऐसे हैं कि जिनके उच्चारण के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। बाकी के सारे नामों के उच्चारण के लिए विधि निषेध कह गए,